पार्ट 13, गोल गोल चंदा। गर्मियों की रात थी। साबिर और सना अपने अब्बू और अम्मी के साथ छत पर बैठे थे। आकाश में चांद निकला, गोल गोल थाली जैसा। सना और साबिर चांद को देखते ही खुश होकर तालियां बजाने लगे। साबिर ने सना से कहा, देखो चांद कैसे चमक रहा है, वहाँ कौन रहता होगा? सना बोली, मेरी टीचर बता रही थी कि चांद पर न कोई आदमी रहता है, न पशु पक्षी और न ही पेड़ पौधे। साबिर ने अब्बू से कहा, चांद के बारे में कुछ और बताइए ना अब्बू। तभी साबिर तपाक से बोला, क्या कभी कोई चांद पर गया था? अब्बू ने बताया, चांद पर पहुंचने वाला पहला अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रांग था। सना बोली, अम्मी आप क्या कह रही थी? अम्मी बोली, बच्चों चांद हमारी धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है। मनुष्य के मन में भी ये पता लगाने की इच्छा जागी कि वहाँ किस तरह के लोग रहते हैं। अमेरिका से 1969 में अपोलो 11 नामक रॉकेट में बैठकर तीन लोग चांद पर गए। वहाँ पहुंचकर वे खुशी से कूदे तो बहुत ऊंचे उछल गए। उन्होंने चांद की बहुत सी तस्वीरें ली, जिनसे पता चला कि चांद पर बड़ी बड़ी चट्टाने और गड्ढे हैं। वहाँ कोई जीवन नहीं है। वे लोग चांद की सतह से वहाँ की मिट्टी और चट्टानों के नमूने लेकर आए थे। साबिर ने पूछा, चांद में इतनी चमक कहाँ से आती है? अब्बू ने बताया, चांद को सूरज से प्रकाश मिलता है। इसका आधा भाग जो सूर्य के सामने रहता है वही चमकता रहता है। पृथ्वी के चारों ओर घूमने के कारण उसका कुछ चमकीला भाग ही हमें यहाँ से दिखाई देता है। साबिर बोला, अब्बू सूरज को रोशनी कौन देता है? अब्बू बोले, सूरज की अपनी रोशनी है, तारों की भी अपनी रोशनी होती है। आसमान में जो तारे चमचमा रहे हैं, ये सब हमारे सूरज की तरह ही हैं। ये हमसे बहुत दूर हैं, इसलिए छोटे छोटे दिखाई देते हैं। अम्मी ने कहा, अगले महीने ईद है, तब तुम्हें चांद की कहानियाँ सुनाएंगे।